क्या आया है मुझे नहीं पता, अब इसको खोल के देखना पड़ेगा। है और मैं अभी बैठ गई हूँ खाना बनाने के लिए बाहर। यहाँ पे गाजर का हलवा भी ले लिया है, तो ये बैठ बैठ के खाऊंगी और खाना बनाऊंगी। इस वॉलेट को मैंने दिया है मैंने अपने पति को कि वो अपने कार में रखे। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, वेलकम बैक टू माई चैनल विपनिक लाइफस्टाइल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड हम भी ठीक ठाक हैं। तो ठंड बहुत है, बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, मार्केट तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है ठंड में। तो इसलिए मैंने ना ऑनलाइन ही अपने लिए कुछ प्रोडक्ट मंगवा लिया है। अब क्या आया है मुझे नहीं पता, अब इसको खोल के देखना पड़ेगा। और मेरे पति, पता है जब भी मैं ये पार्सल वगैरह खोलती हूँ ना, तो मेरे पति हमेशा बोलते हैं कि पैसा बर्बाद चीज़ मंगवाती हो तुम। तो फिर मैंने बोला है कि आपके काम की चीज़ें हो जाए ना हो, मेरे काम की चीज़ तो आ ही जाती है, मैं फालतू अपने लिए नहीं मंगवाती हूँ कि ऐसे पड़ा रहता है। तो जो भी मंगवाती हूँ मैं अपने काम के लिए मंगवाती हूँ, जैसे आप अपने काम के लिए मंगवाती हो वैसे मैं भी अपने काम के लिए ही मंगवाती हूँ। तो मैंने ये 3 ना क्लेचर मंगवाए थे जो बहुत प्यारा लग रहा था, जो आप और काफ़ी अच्छे प्राइस में भी मिल रहा था, सस्ते में मिल रहा था। और मैं मीशो से ना मैं ज़्यादातर देखती हूँ टिकाऊ वाले चीज़ ही मंगवाती हूँ। और अब तो मैंने कपड़े मंगवाना तो छोड़ ही दिया है मीशो से, क्योंकि देखो एक तो सस्ता है, ठीक है, और ऊपर से हर कोई मंगवाता है, हर घर में मीशो चलता है। और मैंने एक साड़ी लिया था तो मेरी जैसा साड़ी ना हर किसी के पास है, तो फिर मैंने बोला कि अब मीशो से कपड़े ऑर्डर करना छोड़ ही दूँगी, क्योंकि यार सब लोग यूज़ करते हैं। मैं चाहती हूँ कि सबके पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हो, एक जैसा ना हो। तो यहाँ पे अभी माधव देखो खेल रहा है इस क्लेचर को लेके, ये ना नीचे फेंक देता है, डर रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि ये ना तितली टाइप का है तो ये थोड़ा इंसेक्ट चीज़ों से ना डरता है। डरता तो नहीं है, पता नहीं इससे क्यों डर रहा है मुझे नहीं पता, वो नीचे फेंक दे रहा है बार बार। और यहाँ पे ये देखो ये रैपर में ना बबल्स थे तो मैंने थोड़े बहुत फोड़े, पता नहीं बबल्स फोड़ना हर किसी को मज़ा आता है लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आता है, मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट। उस बबल्स फोड़ने से अच्छा मैं अगर कोई काम कर लेती तो फिर मेरा काम हो जाता। मैंने माधव को दिया फोड़ने के लिए, माधव ने भी नहीं फोड़ा, उसने भी बोला कि यार मैं खेल लूँ थोड़ी देर। और अभी हम लोग आए हैं धूप में, आज काफ़ी अच्छी धूप निकली है और काफ़ी टाइम के बाद धूप निकली है, कम से कम 1 हफ्ते बाद धूप निकली है और बहुत तेज़ है धूप में। धूप देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अभी बैठ गई हूँ खाना बनाने के लिए बाहर, तो साइड में मैंने बादाम भी ले लिया है और यहाँ पे गाजर का हलवा भी ले लिया है, तो ये बैठ बैठ के खाऊंगी और खाना बनाऊंगी। तो आज जो कि लंच में है कद्दू, उसके बाद मटर, आलू, काफ़ी कुछ है, उसके बाद सोयाबीन, तो काफ़ी सारे मैंने सब्जी बनाए आज। और अभी शाम का टाइम है, अभी शाम को मैं बैठी हूँ थोड़ी देर हीटर के पास, क्योंकि शाम होते ही ना ठंडा पड़ जाता है घर में। और माधव को देखो पहनाया है मैंने टोपी उसके पापा का, क्योंकि वो कैप बिल्कुल भी पहनना नहीं चाहता है, उसको पसंद ही नहीं आता है टोपी, पता नहीं क्यों। सब बच्चों के सर में देखती हूँ कितना अच्छा कैप रहता है, बट मेरे बच्चे के सर में कभी नहीं रहता है। इस वॉलेट को मैंने दिया है मैंने अपने पति को कि वो अपने कार में रखे, गाड़ी में भी कैश रखना चाहिए, तो इधर उधर रखने से अच्छा मैं एक वॉलेट दे दूं और उसमें ही स्टोर करके रख दे पैसे।